Hey guys, myself Pinky Utpani and you are watching my YouTube channel Law Ocean. So today I'm back with my new video in which I'm going to discuss about administration of justice. So before things get started, please subscribe to my YouTube channel and hit the bell icon for never missing a video from Law Ocean. So here we're going to discuss about administration of justice. बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसका मीनिंग क्या होता है. बेसिकली जो जुडिशरी होती है उसका फंक्शन होता है जस्टिस को डिलीवर करना, किस चीज़ के अकॉर्डिंग, जो लॉ में रूल्स और रेगुलेशंस मेंशन किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग जस्टिस को डिलीवर करना. ओके, इंडिविजुअल के राइट को प्रोटेक्ट करना, उसके राइट को एनफोर्स कराना और रॉन्ग डूअर को पनिश करना, ये होता है फंक्शन जुडिशरी का. और इसी तरीके से वो जस्टिस को एडमिनिस्टर करते हैं, जस्टिस को डिलीवर किया जाता है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू सामन और रूसो पाउन, इनके अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की डेफिनेशन क्या है, इनका व्यू क्या है, दोनों का एक चीज़ में व्यू सेम है कि लॉ में जो रूल्स और रेगुलेशंस को रिकग्नाइज किया गया है उसके अकॉर्डिंग जस्टिस को हम डिलीवर करेंगे. बट दोनों के व्यूज़ में एक डिफरेंस है. सामन के अकॉर्डिंग स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जस्टिस को डिलीवर करना, बट रूसो पाउंड के अकॉर्डिंग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कोर्ट की होती है जस्टिस को डिलीवर करना, रॉन्ग डूअर को पनिश करना, इंडिविजुअल के राइट को प्रोटेक्ट करना. ओके, सो नेक्स्ट वी आर गोना डिस्कस अबाउट नेसेसिटी, इसकी ज़रूरत क्या है हमें. बेसिकली मैन जो होता है ये एक फाइटिंग एनिमल होता है. ओके, हम बेसिकली क्या करते हैं, आज अपनी नीड्स के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं. सपोज कोई ए पर्सन है, उसको अपनी इंडस्ट्री सेटअप करनी है. अपनी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए उसको उस प्लेस पर, ठीक है, उस एरिया पर अगर वो 10 प्लांट होंगे तो वो 10 प्लांट को हटाने के लिए भी तैयार हो जाएगा अपनी एक इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए. वो ये चीज़ नहीं देखता है कि उससे सोसाइटी को क्या हार्म होगा, आसपास के लोगों को क्या हार्म होगा, उसके बाद उन 10 पेड़ों को काटने से एनवायरनमेंट को क्या हार्म होगा. इसमें मैन जो होता है वो अपने इंटरेस्ट और अपने पैशन के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए. सो एक कॉमन पावर क्रिएट करी गई है इन चीज़ों के बारे में देखने के लिए, और ऐसी रॉन्ग डूइंग्स को जो रॉन्ग डूअर कमिट करते हैं उनको पनिश करने के लिए, और सोसाइटी में सारे लोगों के लिए, एक सब लोगों के लिए, सबके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉमन पावर क्रिएट करी गई है, उसके अकॉर्डिंग हम जस्टिस को डिलीवर करते हैं, हमारे जजेस, हमारी स्टेट, हमारा कोर्ट. ओके, सो ये कॉमन पावर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर किसी इंडिविजुअल के राइट को देखा नहीं जाता है, यहाँ पे सोसाइटी के राइट, सोसाइटी की नीड्स को देखा जाता है. इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. देन जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस होती हैं इसमें तीन चीज़ें डिफाइन होती हैं. जस्टिस किस किस से डिलीवर हो सकता है, एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज सोसाइटी के थ्रू. उसके बाद फिजिकल फोर्स ऑफ स्टेट, जैसे कि हमारी पुलिस है, कोई रॉन्ग डूइंग कमिट होती है, कोई ऑफेंस कमिट होता है तो पुलिस किस तरीके से उनको देखेगी. ओके, जस्टिस को कैसे उस अकॉर्डिंग वो एडमिनिस्टर करेगी, डिलीवर करेगी. देन हमारे राइट्स का मेंटेनेंस, जो कि हमारे लॉ में रूल्स और रेगुलेशंस में रिकग्नाइज किया गया है, उसमें हमें डिफाइन करा गया है हमारा. देन इसके एडवांटेजेस क्या है, बेसिकली एक यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करती है. 2 पर्सन है, दोनों ने सेम क्राइम कमिट करा है तो दोनों को यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करेगी, यूनिफॉर्मिटी के थ्रू सेम पनिशमेंट दी जाएगी. देन सेकंड पॉइंट इज, कोई भी पर्सन ऑफेंस कमिट करता है तो उसको नॉलेज होती है कमिट करने से पहले कि इसके बारे में मेरी पनिशमेंट क्या होगी. ओके, अगर मैं रेड लाइट पे अपनी कार नहीं रोकती हूँ, रेड लाइट क्रॉस कर देती हूँ, रेड लाइट तोड़ कर जाती हूँ, तो मुझे पता है मेरा चालान कटेगा. ओके, सो ऑफेंस कमिट करने से पहले हमें नॉलेज होती है कि हमारा जो ऑफेंस हमने कमिट करा है उसके लिए हमारी पनिशमेंट क्या है. देन थर्ड पॉइंट इज, रूल्स और रेगुलेशंस फिक्स होते हैं जिससे जजेस को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वो डायरेक्टली जस्टिस डिलीवर कर देते हैं रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग. देन फिक्स प्रिंसिपल होते हैं, यहाँ पे कोई इक्वालिटी इनइक्वालिटी का पॉइंट नहीं रेज होता है. देन कलेक्टिव विजडम, कलेक्टिवली हमें नॉलेज होती है हमारी सोसाइटी को हमारे रूल्स के लिए. देन आता है हमारा डिसएडवांटेजेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये लॉज को रिजिड बना देता है. 2 पर्सन है, दोनों ने मर्डर कमिट करा है, फॉर एग्जाम्पल ए ने मर्डर कमिट करा है किसी के हेड पर एक भारी सा पत्थर मार दिया. ओके, देन
बी ने भी मर्डर कमिट करा है, लेकिन उसने क्या करा है, पर्सन की बॉडी को चॉप करके हमने कहीं पे डंप कर दिया बी पर्सन ने। सो दोनों ने ही मर्डर कमिट करा है, लेकिन बी ने जो कमिट करा है मर्डर वो बहुत ज़्यादा हीनियस है। लेकिन पनिशमेंट इसको भी एक साल, इसको भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए मिल रही है, उसको भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए मिल रही है। यहाँ पे लॉ रिजिड हो गया है, इसने दो अलग अलग का क्राइम कमिट हुए हैं, उनका एक्सटेंट अलग है, एक बहुत ज़्यादा ही हीनियस है, लेकिन पनिशमेंट सेम मिली गई है। और इससे लॉ में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी भी आ जाती है, और थोड़ा बहुत राइट हमारा जो लॉ है वो कंजर्वेटिव बन जाता है। जो पनिशमेंट, जो लॉ हमने 10 साल पहले एनफोर्स करा था, अगर हम उसमें अमेंडमेंट नहीं करते हैं तो 10 साल बाद भी वही पनिशमेंट दी जाएगी। बेसिकली डे टू डे सोसाइटी की नीड्स चेंज होती जा रही है, सोसाइटी में क्राइम्स के टाइप्स बढ़ते जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से लोग क्राइम कमिट कर रहे हैं, सोसाइटी की नीड्स बढ़ रही हैं, डिमांड्स बढ़ रही हैं, उस अकॉर्डिंग लॉ जो है वो हमारी जो चेंज कंडीशंस हैं उनसे मैच नहीं कर पाता है कभी कभी। तो इस चीज़ में भी ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के दो काइंड होते हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में सिविल प्रोसीडिंग्स होती हैं, सिविल कोर्ट में होती हैं, इनमें जो जजमेंट आती है उसमें बेसिकली डैमेजेस और रिकवरी प्रोवाइड की जाती हैं, और या फिर हमें रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है जजमेंट में। और जो क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस होती है, इसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलती हैं, इसमें सिविल कोर्ट्स में मैटर चलता है, इसमें जो पनिशमेंट होती है बेसिकली पनिशमेंट दिया जाता है रॉन्ग डूअर को जजमेंट में, जैसे कि पेनल्टी इम्पोज करना, इम्प्रिजनमेंट देना, या फिर बाकी पनिशमेंट्स जो लॉज में मेंशन है। देन आता है सिविल जस्टिस। सिविल जस्टिस में दो राइट्स को कंसिडर किया जाता है, एक होता है प्राइमरी राइट, एक होता है सैंक्शनिंग और रेमेडियल राइट। प्राइमरी राइट वो राइट्स होते हैं जो पर्सन के, इंडिविजुअल के पर्सनल राइट्स होते हैं, जो हमारे बेसिक राइट्स होते हैं, हम सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं तो हमारे कुछ पर्सनल राइट्स होंगे, वो होते हैं हमारे प्राइमरी राइट्स। सैंक्शनिंग और रेमेडियल राइट्स क्या होते हैं, जब प्राइमरी राइट्स का वायलेशन होता है, जब उनका इन्फ्रिंजमेंट होता है, तो उसकी रेमेडी को लेने के लिए रेमेडियल राइट्स इम्पोज करे जाते हैं। देन आता है हमारा कि इन जो राइट्स हैं उनके एनफोर्समेंट को दो, उनकी जो सिविल प्रोसीडिंग्स चलती हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक होता है स्पेसिफिक एनफोर्समेंट, एक होता है सैंक्शनिंग एनफोर्समेंट। स्पेसिफिक एनफोर्समेंट बेसिकली हमारे प्राइमरी राइट्स का एनफोर्समेंट, हमारे जो प्राइमरी राइट्स हैं उनके एनफोर्समेंट जो होते हैं वो हमारे स्पेसिफिक राइट्स होते हैं, यहाँ पे कोई पनिशमेंट नहीं, कोई रॉन्ग डूइंग की बात नहीं होती। लेकिन सैंक्शनल राइट्स, सैंक्शनल एनफोर्समेंट क्या होता है, जब प्राइमरी राइट्स का वायलेशन होता है तो सैंक्शनल एनफोर्समेंट लगता है, मतलब हमारे किसी राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, कोई वायलेशन हुआ है, उसकी रेमेडी जो हमें मिलेगी वो सैंक्शनल एनफोर्समेंट में मिलेगी। ओके, देन आता है हमारा प्लेंटिफ का राइट क्या होता है। प्लेंटिफ का राइट दो है, एक होता है डिफेंडेंट से मनी रिसीव करना पेनल्टी के फॉर्म में, पेनल्टी, और सेकंड पॉइंट है हमारा डैमेजेस को रिसीव करना। दोनों पॉइंट में डिफरेंस है, मेरा लॉस हुआ था 2000 का, मैं हूँ प्लेंटिफ, डिफेंडेंट ने मेरा 2000 का लॉस करा, लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग अगर उसकी पेनल्टी 5000 है तो मेरा कितना भी लॉस हुआ हो, या फिर मेरा कितना भी लॉस हुआ हो, मुझे वो 5000 की पेनल्टी मिलेगी ही मिलेगी। या फिर अगर लॉ में से 1000 उसकी पेनल्टी है, मेरे 2000 का लॉस हुआ है, तो मुझे 1000 पेनल्टी मिलेगी। सेकेंड थिंग इज हमारी कंपनसेशन, जितना लॉस हुआ है, जितने डैमेजेस प्लेंटिफ को होते हैं, डिफेंडेंट को उतने डैमेजेस उसको रिटर्न करने होते हैं। अब जो कंपनसेशन है इसको दो फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, एक है हमारा रेस्टिट्यूशन, एक है पीनल रिड्रेस। रेस्टिट्यूशन में डिफेंडेंट को ऑर्डर किया जाता है कि हमारे जो उसने बेनिफिट लिया है, प्लेंटिफ का जो लॉस हुआ है उससे उसको जितना बेनिफिट हुआ है वो बेनिफिट वापस करना उसको। देन कम्स पीनल रिड्रेस। पीनल रिड्रेस में क्या होता है, डिफेंडेंट ने प्लेंटिव का जो लॉस हुआ है उस लॉस से डिफेंडेंट को कोई गेन हुआ या नहीं हुआ, उसने जो प्लेंटिव के साथ किया उससे जो उसको बेनिफिट मिला या नहीं मिला, लेकिन प्लेंटिव को जितना लॉस हुआ है उसको वापस करना पड़ेगा। यहाँ पे डिफेंडेंट के कंसिडरेशन की बात नहीं देखी जाती, प्लेंटिव को जितना लॉस हुआ है उतना उसको वापस करना पड़ेगा। सो ये है रेस्टिट्यूशन और पीनल रिड्रेस में डिफरेंस। सो ये था हमारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। देन कम्स क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। बेसिकली क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में क्या होता है, बेसिकली इसमें रॉन्ग डूअर को पनिशमेंट देना, पनिशमेंट कैसी भी हो सकती है, पेनल्टी भी हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, या फिर जो भी लॉ में रिकग्नाइज किया गया है वो।
ये होता है हमारा, इसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलती है, सिविल क्रिमिनल कोर्ट में चलती है। क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो होता है उसमें पनिशमेंट दी जाती है, और उन पनिशमेंट्स में कुछ थ्योरीज दी गई हैं। वो जो थ्योरीज हैं वो 5 थ्योरीज है बेसिकली। वो 5 थ्योरीज होती हैं प्रिवेंटिव थ्योरी, डेटरेंट थ्योरी, रिफॉर्मेटिव थ्योरी, रेट्रीब्यूटिव थ्योरी एंड एक्सपिएटरी थ्योरी। उससे पहले एक चीज है, जो पनिशमेंट की थ्योरी है उसको 2 काइंड में डिफाइन किया गया है। इसमें हमारी ये चीज़ आ जाती है कि थ्योरीज जो हैं बेसिकली उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जो रॉन्ग डूअर है उसको पनिशमेंट देना, ओके, बेसिकली सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। सेकेंड थ्योरी या फिर सेकेंड काइंड जो हम बात करते हैं वो ये है कि जो ऑफेंडर है उसने जितना हीनियस क्राइम करा है, उसने जिस तरीके का क्राइम करा है, उस क्राइम को हम उसने जो क्राइम कमिट करा है वैसी ही चीज़ उसके साथ रिपीट होगी। जैसे बोलते हैं ना, हाथ के बदले हाथ, आँख के बदले आँख, ये सारी चीज़ें। सो ये 2 थ्योरीज हैं। अब ये जो 2 काइंड है थ्योरीज की, अब जो थ्योरीज हैं वो 5 टाइप्स की हैं जो कि मैंने आपको अभी बताई हैं। ये जो 5 थ्योरीज हैं ये हम इस वीडियो के पार्ट 2 में एक्सप्लेन करेंगे, ओके। सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 1 एंड जस्ट वेट फॉर पार्ट 2 एंड स्टे ट्यून्ड एंड आई होप दैट यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू सो मच।